डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास ट्वेल्थ में जो हम लोगों ने मैथ्स पढ़ रहा था, एक्सरसाइज 7.6.5 एनसीईआरटी की बुक से हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 6.5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे क्वेश्चन तक के किए थे पिछले क्लास में। आइए हम लोग तीसरा में और बाकी का जो 6 क्वेश्चंस है उसमें हम लोग बता देते हैं कि क्या क्या बोल रहा है। आप देख पा रहे होंगे तीसरा के हम तीसरे क्वेश्चन में चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एचएक्स का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में। एचएक्स का वैल्यू क्या दिया है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें क्या निकालना है, इसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। तो इसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग एच डैश एक्स यूज करते हैं। एच डैश एक्स का वैल्यू 0 यूज करते हैं, यूजिंग एच डैश एक्स का वैल्यू 0। अब एच डैश एक्स का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 है, तो हम कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिख दिया। ठीक है, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है। तो याद कीजिए वो प्रॉपर्टीज कि कॉस एक्स और साइन एक्स जब इक्वल रहता है तो देन एक्स का वैल्यू क्या होता है दोस्त, देन एक्स का जो वैल्यू होता है वो पाई बाय फोर कॉमा 5π/4 कॉमा 9π/4 ऐसे ही ईटीसी होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग यहां पे एक्स का वैल्यू और भी बहुत सारा ऐसे ही होता है, लेकिन आप क्वेश्चन पे जरा गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है 0 से लेकर π/2 ये लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से π/2 के बीच में ही इस्तेमाल करना है। एक्स का वैल्यू इसमें से कौन लेना है दोस्त, तो वैसा ही चीज लेना है जो 0 और 90 के बीच में आता है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, 5π/4 का मतलब होता है कितना, तो 45 × 90 180 से भी ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि ये 90 से वैल्यू ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, हमको वैसा ही एक्स का वैल्यू चुनना है जो 0 से π/2 के बीच में हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्पेशल लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हियर एक्स का वैल्यू हम लोग π/4 लेंगे। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना लेंगे, π/4। हालांकि हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं ना कि कॉस एक्स और साइन एक्स इक्वल होता है, तो थ्योरी में हम लोग पढ़े थे इसका वैल्यू बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग वही अगर मान लिया कि 0 से पाई के बीच में होता तो 2 भी ले सकते थे, अगर मान लिया और बड़ा होता तो इसमें से 3 कोई ले सकते थे, मतलब इसमें से जितना बन सकता था हम उतना ही लेंगे। इसमें से हमें बोला 0 से 90, तो 0 से 90 एक ही चीज बच रहा है, वो है π/4 45। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें ये चीजें बच रही है, तो हम x बराबर π/4 यूज करेंगे। तो x बराबर π/4 यूज करेंगे तो अब लिखिएगा, चूंकि fx का वैल्यू क्या दिया था, fx का वैल्यू दिया था sin x प्लस cos x, इसलिए f π/4 निकालना है, तो x के जगह पे π/4 यानी कि sin π/4 प्लस cos π/4। तो साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 और ये होता है 1/√2, तो दोनों को ऐड करना है, 1/√2 और 1/√2 दोनों को ऐड करेंगे। यहां पे आगे मिटाते हैं, जगह नहीं है, और फिर इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो √2 √2 का एलसीएम लेंगे, तो √2 √2 का एलसीएम कितना होगा, √2 √2 से कितनी बार में कटेगा, 1, और यहां पे भी 1,
तो 2/√2 बनेगा। हम लोग जानते हैं ना कि जब बिना रूट रहते हैं, रूट रहता है तो रूट में कट जाता है, तो √2 हो गया। देख पा रहे हैं एक ही वैल्यू पे ना चेक कर रहे हैं, तो एक वैल्यू पे चेक कर रहे हैं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, चूंकि इतना के बीच में है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √2। तो यहां लिखिएगा सो लोकल मैक्सिमम इज इक्वल टू √2 एट एक्स बराबर कितना पे, π/4 पे। यानी एक ही वैल्यू था, अगर मान लिया कि और भी 2-3 वैल्यू हो सकता है, क्योंकि एक्स का तो वैल्यू बहुत सारा था, लेकिन हम π/4 को ही क्यों लिए, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में बोल रहा था। अगर दोस्त यहां पे 0 से π के बीच में बोलता तो दो वैल्यू पकड़ाता, एक π/4, एक 5π/4। फिर दोनों पे हम लोग इसका वैल्यू निकालते, और जब दोनों पे वैल्यू निकाल लेते फिर हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्यूशन करते, दोनों पे चेक करते, दोनों पे जिसका वैल्यू ज्यादा आता वो हो जाता लोकल मैक्सिमम, और जिसका वैल्यू कम आता वो हो जाता हम लोगों का लोकल मिनिमम। ठीक है, लोकल मिनिमम। तो इस तरीके से तीसरा का ये तीसरा क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, तीसरा का चौथा क्वेश्चन वही है, लेकिन इस बार 0 से लेकर 2π बोला है, 0 से लेकर 2π बोला है। तो आप उसका h'(x=0) का इस्तेमाल कीजिएगा, वहां fx दिया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनका थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा। सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा इंटरवल को देखते चलना है कि कौन कौन सा वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। तो तीसरा का चौथा सवाल वो आपके ऊपर छोड़ते हैं, और हम लोग तीसरे के क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं। 5वें नंबर में क्या बोल रहा है, एफएक्स का वैल्यू दिया है दोस्तों, एफएक्स का वैल्यू क्या दिया है, x³ - 6x² फिर +9x + 15। ठीक है, तो यहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, तो आप लिखिएगा यूजिंग f'(x=0। तो f'(x) का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, तो x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x², इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 12x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 9, इज इक्वल टू कितना 0। अब यहां से हम लोग x³ कॉमन लेंगे तो कितना होगा x²-4x+3। अब यहां पे 3 उधर जाएगा तो 0, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना होगा x²-3x - x+3=0, क्योंकि -3x और -x मिलके -4x हो जाएगा। अब x यहां से कॉमन करेंगे तो x-3 और यहां से x-3=0। ठीक है, अब यहां से जब हम लोग कॉमन करेंगे तो x-1 और x-3=0। ठीक है, अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे, यानी कि ऐसे एक होगा x-1=0, इसलिए x का वैल्यू 1 आ गया, और दोस्तों फिर x-3=0 आ गया, x=3। ठीक है, तो आप यहां के आगे आप खुद समझ रहे हैं कि लोकल मैक्सिमम हम लोग कैसे निकालते हैं। यहां से चुकी लिखिएगा कि fx का वैल्यू दिया हुआ है कितना x³ - 6x² + 9x, ये सब लिख दीजिएगा, और आप जो चेक कीजिएगा एक बार f1 निकालिएगा, ठीक है, x की जगह पे 1, फिर f3 निकालिएगा। ठीक है, और ये दोनों में से ध्यान दीजिएगा, 1 पे निकालिएगा और 3 पे निकालिएगा, और दोनों में से जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा, जैसे 3 पर निकाले तो ज्यादा आ गया, तो हम लिखेंगे लोकल मैक्सिमम बराबर जितना आएगा, और कितना पे रखने के वजह से आया है तो 3 रखने के वजह से, तो आप लिखिएगा @x=3। उसी तरीके से 1 रखने के वजह से आप fx का वैल्यू निकालिएगा, अब जितना वैल्यू उससे आएगा अगर छोटा होगा तो वहां लिखिएगा लोकल मिनिमम, और कितना पे 1 पे, तो @x=1। तो आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा कि हमें कैसे सॉल्यूशन करना है। उसी तरीके से दोस्तों छठा सवाल भी है, सातवां सवाल भी है, x/2 है और +2/x है छठे सवाल में। तो छठा में भी हिंट्स कर देते हैं,
लोकल मैक्सिमम देखिए कुछ भी हमें फंक्शन दिया रहता है ना, हम लोग उसका डिफरेंशिएशन का यूज करके जीरो के इक्वल करते हैं। जैसे तीसरा का क्या है, छठा सवाल, तो तीसरा के छठा सवाल में क्या है, हमें जी एक्स बराबर दिया है एक्स बाय टू प्लस टू बाय एक्स। तो यहां पे किसका यूजिंग करेंगे आप, यूजिंग जी डैस एक्स इक्वल टू जीरो, जी डैस एक्स का वैल्यू जीरो के इक्वल करेंगे। तो जी डैस एक्स का मतलब क्या, इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स बाय टू का डिफरेंशिएशन वन बाय टू प्लस टू बाय एक्स का मतलब होता है टू इंटू, इसको लिख सकते हैं टू बाय एक्स को कैसे लिख सकते हैं, टू गुने एक्स के पावर माइनस वन, टू बाहर निकल गया फिर माइनस वन बाहर निकल गया, एक्स के पावर माइनस टू बराबर जीरो। तो यहां हो गया हम लोगों का डिफरेंशिएशन वन बाय टू माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये वन बाय टू उधर जाएगा तो माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर बराबर वन बाय टू माइनस में, माइनस माइनस कट गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर फोर, इसलिए एक्स का वैल्यू कुछ ही में आएगा प्लस माइनस टू। जब एक्स का वैल्यू दो को आ गया तो एफ एक्स का मान, सॉरी यहां जी एक्स का मान दिया है, तो यहां लिखिएगा चूंकि जी एक्स का मान हमें इतना इतना दिया हुआ है तो आप जी टू निकालिएगा फिर जी माइनस टू निकालिएगा, ठीक है, एक बार टू पे एक बार माइनस टू पे, और दोनों में जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा उसको बोल देंगे लोकल मैक्सिमम, और जितना पे आएगा जैसे टू पे ज्यादा आएगा तो लोकल मैक्सिमम, या तो माइनस टू पे ज्यादा आएगा यानी कि ज्यादा के लिए लोकल मैक्सिमम और कम के लिए लोकल मिनिमम, ठीक है। तो आप ऐसे ही चेक कर लीजिएगा। सेम सवाल आप सातवां में भी है, सातवां में भी वही काम करना है, आप उसको डिफरेंशिएशन करके इक्वल जीरो कर लीजिए, एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स का वैल्यू जो आएगा दिया गया फंक्शन में आप पुट कर लीजिए, अगर मैक्सिमम आता है तो मैक्सिमम और मिनिमम आता है तो मिनिमम, ठीक है। तो इसे ही हम लोग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां आपको खुद से करने के लिए छोड़ते हैं। तीसरा का आठवां सवाल में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, हम दिखाते हैं कैसे करेंगे। चूंकि fx का वैल्यू हमें गिवन है, fx का वैल्यू कितना है, x रूट अंडर वन माइनस एक्स, ठीक है। तो हम लोग यहां पे किसका यूजिंग करेंगे, यूजिंग f डैश x इक्वल टू जीरो, ठीक है। एफ डैश एक्स का मतलब दोस्त, एफ डैश एक्स का मतलब यू इंटू भी ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन में यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, तो ये एक अलग है ये एक अलग है, तो यहां पे इसको मानेंगे यू इसको मानेंगे वी, तो यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यू को बाहर निकालिए, हम जो है यू को बाहर निकालिए, वी का डिफरेंशिएशन, तो वी का डिफरेंशिएशन वन माइनस एक्स बटा डीएक्स प्लस भी को बाहर यू का डिफरेंशिएशन डीएक्स बाय डीएक्स इक्वल टू जीरो। यहां पे तो आप देख पा रहे होंगे एक्स है और रूट एक्स का होता है वन बाय टू रूट एक्स, यानी कि वन बाय टू रूट एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन वन माइनस एक्स इतना होगा, ठीक है। और इनटू में जब इसका करेंगे तो माइनस वन, यानी कि यहां पे हम चैन रूल लगा दिए अपने माइंड में ही, चैन रूल चल गया कि वन बाय एक्स वन माइनस एक्स था तो वन माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो वन बाय टू रूट एक्स, और वन माइनस एक्स को फिर डीएक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन का तो जीरो और माइनस एक्स का माइनस वन। तो ये हम लोग अपने खुद माइंड में ही चैन रूल लगा दिए हैं, प्लस रूट वन माइनस एक्स, इसका वैल्यू तो वन जानते ही है। फिर आप देख पा रहे होंगे हम लोगों को यहां पे क्या बच रहा है, माइनस एक्स बटा टू रूट वन माइनस एक्स, और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस रूट वन माइनस एक्स, ठीक है। माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, और हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं क्योंकि यहां पे क्या है वन ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोगों को क्या बात बनेगा जरा देखिए।
इसको इसको करेंगे तो यहाँ पे बनेगा टू और रूट एक्स, और रूट एक्स का मतलब तो रूट तो हट जाता है तो यहाँ बनेगा वन माइनस एक्स, यानी इसको गुणा कर लिया हमने, एक्स को वन के साथ किया एक्स, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बन रहा है जरा देखिए, तो टू माइनस टू एक्स बराबर एक्स, टू बराबर ये माइनस टू एक्स उधर जाएगा तो थ्री एक्स, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा टू बाई थ्री, तो एक्स बराबर टू बाई थ्री रख लीजिएगा, चूंकि यहां पे हमें क्या दिया हुआ है एफ एक्स ना, एफ एक्स का मान तो दिया हुआ है, लिख लीजिएगा एफ टू बाई थ्री निकाल लीजिएगा कितना आता है, क्योंकि एक ही ना एक्स का वैल्यू आया तो इसी पर चेक कर लेंगे और वो लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू है, जब कभी भी एक ही वैल्यू देता है वो मिनिमम नहीं होता, वो मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन दो जब आता है एक्स का वैल्यू फिर हमको देखना पड़ता है कि कहां मैक्सिमम हो रहा है और कहां मिनिमम हो रहा है, ठीक है। तो आप इन चीजों को जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से कीजिएगा। तो तीसरा के सवाल में टोटली अगर बात करें तो हम लोग यहां पे कुल मिलाकर चीजों को समझ गए हैं कि क्या बोला जा रहा था और हम लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हम लोग निकालना सीख लिए हैं। अब आइए चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, चौथा पे। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है दोस्त कि चौथा में एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स है और सभी सवाल को हमें यहां पे जो बोल रहे हैं ना, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम, यानी चौथा में जितना भी तीन सवाल दिया हुआ है हमको इसमें क्या करना है, हमें इसमें करना क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है नहीं, प्रूफ करना है कि ना तो इसका मैक्सिमा निकलेगा और ना ही इसका मिनिमा निकलेगा, यानी यहां पे हमें कुछ नहीं निकलने वाला है, ऐसे ही बोल रहे सवाल कि यहां पे ना तो मैक्सिमम निकल सकता है ना ही मिनिमम निकल सकता है, ऐसा प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो जब ऐसे सवालों में जब हम लोग प्रूफ करने के लिए मिलता है तो पहला सवाल क्या है, एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू क्या है ई के पावर एक्स, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए पहला तो सिचुएशन ये होता है कि एक्स पार्ट देखते हैं, एक्स पार्ट देखते हैं, लेकिन यहां पे आपको देखकर पता चल रहा है कि एक्स पार्ट से नहीं बनने वाला है, क्योंकि एक्स पार्ट अगर रहता तो इसके बगल में कुछ ए बी भी तो रहता, जैसे एक्स प्लस बी होता था तो बी ना आंसर होता था, यहां तो कुछ नहीं है, तब यहां पे यूजिंग करेंगे कौन सा, यूजिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहां एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो यूज करेंगे तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना होता है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स बराबर जीरो। अब देखिए यहां पे एक्स का वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हम लोग, एक्स का वैल्यू क्या रखा जाए कि जीरो आ जाए, एक्स का वैल्यू क्या रखा जाए कि जीरो आ जाए, ऐसा हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू आप एक्स के जगह पे क्या रखा जाए ऐसा निकाल ही नहीं सकते हैं, जिसका पावर कुछ हो तो जीरो हो जाए ऐसा हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्स के पावर जीरो का भी वैल्यू वन ही होता है, अगर पावर जीरो है उसका वैल्यू वन है, लेकिन आप यहाँ पे क्या रखिएगा एक्स के वैल्यू कि वो पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, निकल ही नहीं सकता है। तो यहां लिखिएगा हियर यहां वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सो इट इज नॉट मैक्सिमा और मिनिमा, बोल रहे हैं
कि यहां से आप क्या x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकल ही नहीं सकता है। ऐसा आपसे हम पूछे कि x का वैल्यू ऐसा बताओ जो e के पावर रखने पर जीरो हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता भाई कि जीरो हो जाए। अच्छा सिंपल सा आपसे सवाल पूछते हैं, टू के पावर कितना रखा जाए कि जीरो हो जाए, आप नहीं बता पाएंगे। सिंपली टू के पावर कितना रखा जाए व्हाट कि जीरो हो जाए, ये वैल्यू निकल ही नहीं सकता है कभी, ध्यान रखिएगा कभी नहीं निकल सकता है, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहां पे कुछ भी रहेगा हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, तो यहां पे नहीं निकल सकता है, इसलिए प्रूफ होता है कि न यह मैक्सिमा है और न ही ये मिनिमा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथा के दूसरे सवाल में, कि चौथा का दूसरा सवाल क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है gx इज इक्वल टू log x ना। अब gx इज इक्वल टू log x है तो आप यूज करेंगे क्या, यूजिंग g डैश x इक्वल टू जीरो, और g डैश x का मतलब डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x = 0। दोस्त अब x के जगह पे ऐसा क्या रखना है कि जीरो हो जाए हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अब आप सुन रहे होंगे कि सर आप क्या ऐसा बार बार बोल रहे हैं, हाँ भाई सही है, क्योंकि 1/0 रखेंगे तो इसका अनडिफाइन होता है वैल्यू, और 0/1 करेंगे तब होता है जीरो, तो हमको तो ऊपर 1 फिक्स है। हम x का वैल्यू पूछ रहे हैं कि x का वैल्यू आप बताइए कितना रखेंगे कि हमको जीरो हो जाए, तो आप बोलेंगे कि सर 1/2 रख दो तो थोड़ा ना जीरो होगा, 1/8 रख दो, 1/1,00,000 रख दो, कभी नहीं होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर 1/-10 रख लो, कभी जीरो नहीं हुआ, तो ये ऐसे सिचुएशन में आप कोई बोला सर 1/0 रख लो, हम बोलेंगे भाई जीरो नहीं होता, ये अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए इस सिचुएशन में भी हम लोग x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए प्रूफ होता है कि इट इज नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम। आप लिखिएगा वही लैंग्वेज, हियर वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो इट इज नॉट मैक्सिमा नॉट मिनिमम, यानी कि यह नहीं, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ऐसे लिखिएगा कि नहीं मैक्सिमा है और नहीं मिनिमा है, ये हम लोग प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी जरा देख ही लेते हैं, क्योंकि उसमें भी प्रूव करना है कि इसका ये भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा। तो चौथा का तीसरा सवाल देखते हैं कि आखिर वो मिनिमम मैक्सिमम निकल सकता है कि नहीं, लेकिन प्रूफ तो करना है कि ये मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा ही नहीं। एच एक्स का वैल्यू कितना दिया है भाई, x³ + x + 1। अब यूजिंग किसका करेंगे हम लोग, यूजिंग करेंगे h·x = 0, ठीक है। अब h·x = 0 में हम यूज करेंगे, तो यहां पे h·x का यूज करेंगे 0 का, तो x के पावर 3 है तो यहां हो जाएगा 3x², x² का बनेगा 2x + 1 = 0। दोस्त यहां से क्या आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम आपसे सवाल पढ़ते हैं, पूछते हैं कि ऐसा सवाल में x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे बताएं, तो आपको 10th क्लास में पढ़ाया जा चुका है, हम बताएं ना कई बार बोल चुके हैं कि नया क्लास होता है बस नाम का होता है, काम आपका पुराना वाला होता है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि x का वैल्यू यहां से निकाला जा सकता है, तब आप भूल रहे होंगे दोस्त, 10th में आप सीखे होंगे विविक्त कर चाहे विवेचक का नाम सीखे हैं, सुने होंगे कि अगर d का मान ऋणात्मक आता है तो x का वैल्यू नहीं निकलता है, नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो तुम यहां से देख लो, हियर a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो गया 2 और c का वैल्यू हो गया 1, तो तुम विवेचक निकालो, फॉर्मूला याद तो नहीं होगा, याद दिला देते हैं, b² - 4ac, तो b² माने 2 का स्क्वायर,
माइनस फोर, ए का वैल्यू थ्री, सी का वैल्यू इतना, तो आप देख पा रहे होंगे माइनस में आठ आ गया। इसलिए पता चल रहा है चूंकि डी का वैल्यू जीरो से क्या आ गया, छोटा। तो आपको टेंथ क्लास में सिखाया गया होगा कि अगर डी का वैल्यू जीरो से छोटा आता है तो एक्स का वैल्यू हम लोग नहीं निकालते हैं, और जब एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा तो प्रूफ हो गया ना भाई कि ये न तो मैक्सिमा है और न ही मिनिमा है। तो आप लिखो चूंकि डी लेस देन जीरो, हियर वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, सो इट इज नाइदर मैक्सिमा नोर मैक्स मिनिमा प्रूव्ड। ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। लैंग्वेज लिख लीजिएगा, सिर्फ हम समझा दिए कि यहाँ एक्स का वैल्यू क्यों नहीं निकलेगा। तो सवाल यही बोल रहा था कि नहीं मैक्सिमा है और नहीं मिनिमा है, तो क्यों नहीं निकल सकता है, समझ पा रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा तो फिर हम लोगों को तो दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना में, पांच में। पांच नंबर में हम लोग अब इन कर चुके हैं, जरा सवाल एक बार पढ़ लो भाई, क्या बोल रहे, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। दोस्त हम वहां पे बता चुके हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में सवाल के साथ साथ हमें इंटरवल दिया रहता है, सवाल के साथ साथ इंटरवल दिया रहता है। जैसे कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा का फर्स्ट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक्स क्यू सिर्फ बोला है, ठीक है। अच्छा ये तो बन जाएगा, पहला सवाल छोड़ देते हैं, सिंपल है। हम आपको ना सवाल नंबर दूसरा बताते हैं, दूसरा और चौथा बता देते हैं, ठीक है। पांचवा का चार सवाल है तो हम पांचवा का दूसरा और पांचवा का चौथा सवाल बता देते हैं। तो पांचवा का दूसरा में क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स कितना दिया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस है कि माइनस है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। चलो भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और यहां पे इंटरवल दिया है जीरो से लेकर पाई के बीच में, ये इंटरवल जरा सा ध्यान रखना है, इंटरवल दिया है दोस्त। और ध्यान रखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालने में हम लोग इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं, इस इंटरवल का, ठीक है, इस इंटरवल का अच्छा से इस्तेमाल करते हैं। आप यहां पे यूजिंग करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस ये माइनस साइन एक्स से उधर जाएगा तो कॉस एक्स बराबर साइन एक्स। अब हम आपको प्रॉपर्टीज बताए हुए हैं कि कॉस एक्स और साइन एक्स अगर बराबर हो गया तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, याद होगा एक्स का वैल्यू होता है पाई बाई फोर, फाइव पाई बाई फोर, नाइन पाई बाई फोर, तेरह पाई बाई फोर, ऐसे ही सो ऑन आगे तक जाता है। लेकिन दोस्तों यहां हमें कितना कितना के बीच में बोल रहा है, जीरो और पाई के बीच में, जीरो का तो जीरो हुआ लेकिन पाई का मतलब कितना, 180, तो पाई का मतलब 180 हुआ, तो जीरो और 180 के बीच में इधर से चुनना है, तो पाई बाई फोर तो ऐसे ही हो गया 45, ये तो होबे करेगा। लेकिन अब फाइव पाई बटा चार को देखते हैं, तो पांच पाई का मान 180 बटा चार, 45 45 25 की पांच हाथ में दो, 25 दो 22, ये 225 आ जा रहा है, ठीक है। तो 225 तो होगा नहीं क्योंकि जीरो और 180 के बीच में बोल रहा था, तो इसमें कौन सा पॉइंट इसमें लेंगे हम लोग, तो ओनली एक्स बराबर, तो यहां हियर एक्स बराबर कितना लेंगे, पाई बाई फोर, ठीक है, बाकी सब किसी को नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो से पाई के बीच में ही लेना था। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में आपको पता होगा कि जो हम एक्स का मान निकालते हैं वो अलग ही, ठीक है, जो एक्स का मान निकालते हैं वो अलग ही, और इसके साथ साथ हम लोगों को इंटरवल पे भी चेक करना होता है।
यानी कि तीन गो मान पर यहाँ चेक होगा, एक पाई बाई फोर पे, जीरो पर और पाई पे, और जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जिसका वैल्यू कम आएगा वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम। जैसे अब यहाँ पे हम लोगों का किस किस पॉइंट पे चेक होगा, तो अब लिखेंगे तीन गो पॉइंट, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में जो इंटरवल दिया रहता है इस पर भी चेक होता है, जो एक्स का मान निकालते हैं इस पर भी चेक होता है। अब लिखो आप यहां पे, चूंकि एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब लिखो एट एक्स बराबर पाई बाई फोर, ठीक है, क्योंकि हम लोग तीनों पे चेक करेंगे, तो इसलिए एफ पाई बाई फोर, तो यहां हो जाएगा साइन पाई बाई फोर प्लस कोस पाई बाई फोर, तो साइन पैंतालीस का वैल्यू वन बाय रूट टू और प्लस कोस पैंतालीस का वैल्यू वन बाय रूट टू, और वन बाय रूट टू और वन बाय रूट टू को जोड़ेंगे तो कितना आता है रूट टू, आप जोड़ लीजिएगा, मेरा जोड़ा हुआ चीज है इसलिए हम डायरेक्ट जोड़कर लिख दिए मन में। फिर आप कीजिएगा एट एक्स बराबर जीरो, देखो क्यों हम कर रहे हैं भाई, अगर लोकल मैक्सिमा रहता है ना तो इतना ही पर हम लोग कर देते हैं आंसर, लेकिन ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा है, तो एब्सोल्यूट में हम लोग देखे हैं कि इंटरवल पर भी चेक किया जाता है, तो यहां इंटरवल में जीरो भी है और पाई भी है, तो एक्स बराबर जीरो पर हम चेक करेंगे, तो इसलिए अब आप एफ जीरो निकालिए, तो एफ जीरो निकालिएगा तो हम लोग एक्स के जगह पे जीरो जीरो रखेंगे, तो यहां पे हुआ साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, तो साइन जीरो का तो वैल्यू जीरो और कॉस जीरो का वन, तो इसका वैल्यू हो गया वन, ठीक है। अब निकालिए आप कितना पे, तो एट एक्स बराबर पाई पे, पाई पे भी तो चेक करना है ना, कैसे कि इंटरवल पे तो चेक कर भी करते हैं, तो यहां पे लिखिएगा, इसलिए अब आप एफ पाई रखिए, तो यहां पे कितना हो जाता है साइन पाई प्लस कोस पाई इज इक्वल टू, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे साइन पाई का वैल्यू कितना होता है जीरो, लेकिन कोस पाई का वैल्यू कितना होता है माइनस एक, तो यहां हो गया माइनस एक। अब आप जितना वैल्यू निकाले हैं, यहां तो तीन गो निकला, हो सकता है कि चारों गो निकल सकता है, पांचों गो निकल सकता है, काहे कैसे कि मान, हो सकता है कि एक्स का जब मान निकाल रहे थे हम लोग तो एक्स का मान दो गो निकल जाता, और दो गो इंटरवल तो दो और दो चार गो मान निकलता, तो हम लोग चारों में देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे तो तीन निकला तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो रूट टू है, क्यों, क्योंकि रूट टू का मतलब हुआ दो का वर्गमूल, और दो का वर्गमूल कितना होता है 1.414 होता है, ठीक है, तो वन से तो ज्यादा ही ना बड़ा हुआ, तो मैक्सिमम कितना हुआ रूट टू, और कौन मैक्सिमम एब्सोल्यूट, सिर्फ मैक्सिमम लिखेगा गलत, क्योंकि एब्सोल्यूट लगाना पड़ेगा। फिर बात करें कि तीनों में सबसे छोटा कौन रहा, तो आप बोलेंगे माइनस वन, क्योंकि तीनों में सबसे छोटा है, तो हम लिख देंगे एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया माइनस वन, कितना पर, तो पाई पर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितना हुआ रूट टू, कितना पर, पाई बाई फोर पे, तो इसलिए अब जब हम लोग उसके नीचे आंसर लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बराबर रूट टू, कितना पर भाई, तो एट एक्स बराबर पाई बाई फोर, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम कितना आया माइनस वन, कितना पर भाई, तो एट एक्स बराबर पाई पे, ठीक है, एक्स बराबर पाई पे मिनिमम हुआ, पाई बाई फोर पे मैक्सिमम हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हालांकि पांचवा में हम लोगों को एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम ही निकालना है, तो पांचवा में टोटल चार क्वेश्चन है, तो हम दूसरा और चौथा बता देते हैं, दूसरा तो बता दिए हैं, चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई,
एफ एक्स का वैल्यू गिवन है कितना, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब जब एफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री दिया है तो आप यहां से किसका यूज करेंगे फार्मूला, यूजिंग एफ डैश एक्स बराबर जीरो। तो जब एफ डैश एक्स बराबर जीरो का मतलब क्या हुआ, इसका आप क्या करेंगे, अच्छा इंटरवल भी तो दिया है ना, एक मिनट, इंटरवल भी दिया है माइनस थ्री और वन। दोस्त माइनस थ्री और वन दिया है तो अभी हमको याद नहीं था, ये क्वेश्चन जो है ना हम एग्जाम्पल में बता चुके हैं सेम, कहां पे, तो थ्योरी में। तो आप जरूर थ्योरी वाले जो क्लास है उसको देखिए और वहां से बातें समझ में आ जाएगा। वहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम को समझा रहे थे ना, यही वाला एग्जाम्पल दे के आपको समझाए थे कि अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा तो हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो ध्यान रहे, फिर से हम बता देते हैं, हमेशा इसका यूज करके एक्स का मान निकालिए और एक्स का मान जो आएगा उसको हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे और साथ साथ इंटरवल पर भी चेक करेंगे, और चेक करने से जो वैल्यू ज्यादा बड़ा आ जाएगा उसको हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहेंगे, जो वैल्यू कम रहेगा हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमम कहेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चूंकि हम बताएंगे नहीं, ये हम बता चुके हैं पहले ही, तो बाकी का जो दो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं आप ऐसे ही उनका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्या बोल रहा है सिक्स नंबर, इसमें बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन वाज गिवन बाय, एक फंक्शन दिया है किसी कंपनी का और उस कंपनी का जो प्रॉफिट होने का फंक्शन है ना वो हमें दिया हुआ है और उस फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, तो उस फंक्शन के लिए हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो आप लिखिएगा गिवन पी एक्स इज इक्वल टू कितना, 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इनको आप करिएगा क्या कि यूजिंग पी डैश एक्स बराबर जीरो, क्योंकि पी एक्स है तो इसका इस्तेमाल करके करते करते आप एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा और एक्स का जो वैल्यू आएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक्स का यहां पे जो वैल्यू आएगा, अब आप नाउ क्या कीजिएगा, चूंकि पी एक्स का मान दिया है ना यहां पे 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर, अब जितना मान आएगा उसको उतना मान निकाल लीजिएगा, यहां 2 आएगा चाहे माइनस 2 आएगा, मेरे हिसाब से तो 2 ही आना चाहिए, यहां पे कितना आएगा 2 आएगा, तो आप पी टू निकाल दीजिएगा, जो आएगा वही हम लोगों को आंसर हो जाएगा, यानी जहां जहां इसमें एक्स था वहां पे आप 2 रख दीजिएगा और खुद आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पी एक्स जो दिया है पी डैश एक्स बराबर जीरो का इस्तेमाल करके एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान जो कुछ भी आएगा अब आपको यहां पे रख देना है। अगर मान लिया कि एक्स का वैल्यू दुगु आ जाता, एक्स का वैल्यू दुगु आ जाता तो दोनों मान को रखते और दोनों मान में सबसे जो ज्यादा होता वो हम लोगों को आंसर हो जाता, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट बोल रहा है। तो मैक्सिमम कब का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए आप यहां से एक्स का वैल्यू निकालिए, एक निकलेगा तो कोई भी बात नहीं है, दो भी निकलेगा, जैसे मान लिया एक्स का वैल्यू प्लस माइनस टू निकल गया तो एक बार टू रखिए एक बार माइनस टू रखिए और दोनों में जो बड़ा आएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम और जो कम होगा वो मिनिमम, ठीक है। तो छठा में आपको खुद से सॉल्व करना है। फिर आगे बढ़ते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है सातवें नंबर क्वेश्चन,
क्या बोल रहे हैं सातवें नंबर में, फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम भी निकालना है और मिनिमम भी निकालना है, ठीक है, दोनों निकालना है, मैक्सिमम भी निकालना है मिनिमम भी निकालना है। इसमें आपको दिया गया फंक्शन जो है हमें कुछ इस प्रकार है और उसी के वजह से हमें यहां पे काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ, यहां पे कुछ नहीं दिया है तो आप मान लीजिएगा लेट एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है सातवें नंबर में, 3x4 और फिर -8x³ +12x² -48x +25 और इधर इंटरवल दिया है, इंटरवल में कुछ कुछ दिया है 0-3, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है इसका, इसमें यूजिंग आपको करना है, यूजिंग एफ डैस एक्स 0, एफ डैस एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंस कराइए कितना आएगा 12x³, इसका कीजिए 24x², इसका कीजिए 24x, इसका कीजिए -48 बराबर कितना 0, ठीक है। अब जब हम इसको 12 सब में से कॉमन करेंगे तो कितना बनेगा, इसमें 12 कॉमन करेंगे तो x³ -2x² +2x -4 = 0, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं ना इधर 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0, तो जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो यहां बन जाएगा x³ -2x² +2x -4 = 0। अब क्या करना है इसको, इसका इस्तेमाल करके आपको x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालिएगा बताते हैं, x का मान निकालना है और साथ साथ जो x के मान निकलेगा ध्यान दीजिएगा, x के मान पर भी और ये दोनों इंटरवल पे भी चेक करना है, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा जैसे चेक कर रहे हैं। अब हमें तो यहां सवाल में बोला नहीं कि एब्सोल्यूट निकालना है, आप कैसे समझ गए, क्योंकि यहां पे इंटरवल दिया है और इंटरवल पे भी हम लोग चेक कर लेंगे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो यहां पे इसमें इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें और इसमें x² कॉमन है, तो x² अगर कॉमन करेंगे तो यहां बन जाएगा x - 2, और यहां से भी अगर x - 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बन जाएगा +2, ठीक है, यानी कि कॉमन कर लिए, तो जब कॉमन करेंगे तो ऐसा आएगा और इसको जब कॉमन करेंगे तो x² + 2 और x - 2 = 0। इसको दो पार्ट में बांटेंगे, x² + 2 = 0, तो x² ये +2 उधर जाएगा तो कुछ ही में -2, तो कभी ऐसा मान निकलेगा किसी x का मान का ऐसा स्क्वायर कीजिए कि माइनस में 2 आ जाए, कभी नहीं, क्योंकि आप हम लोग जानते हैं ना कि इधर स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ता है, तो ये लिखिएगा ये नॉट एग्जिस्ट है, ये x का वैल्यू इसका नहीं निकल सकता है, माइनस का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो x - 2 = 0, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो जब हम लोग चेक करेंगे यानी कि एफ एक्स का वैल्यू अभी दिया था ना सवाल में, उस पर आप चेक करेंगे तो f2 पर भी चेक करना होगा, f0 पर भी चेक करना होगा, f3 पर भी चेक करना होगा, और तीनों में जो सबसे ज्यादा आएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम और जो कम होगा वो हो जाएगा हम लोगों का मिनिमम। तो सातवां नंबर कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 से 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसमें बोल रहे ना किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी कि आठवां सवाल में हम मान ले रहे हैं कि लेट एफएक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स, एफएक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स। अब एफएक्स इज इक्वल टू जब साइन टू एक्स है तो उसके बाद हमको जो काम करना है वो सुनिए, एफएक्स का इज इक्वल टू साइन टू एक्स है और इंटरवल दिया है 0 से लेकर 2 पाई, तो हमें बोल रहा है कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि चूंकि यूजिंग हम लोग यहां क्या करेंगे, यूजिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और इसका अगर एफ डैश एक्स करेंगे तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस 2x और कॉस 2x, ठीक है कॉस 2x और कॉस 2x का फिर 2x का करेंगे तो 2 आएगा बराबर 0। तो यहां से देख पा रहा हूं कॉस 2x बराबर कितना आता है 0। तो अब हमें x का वैल्यू कॉस 2x है ना, तो x का वैल्यू हमें कितना कितना वैल्यू रखना पड़ेगा कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि x अगर cos 2x बराबर 0 होता है तो देन x का वैल्यू क्या क्या होता है, तो वही पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4, 13 पाई बाई 4 ऐसे ही आगे होता है, लेकिन कितना 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 के इंटरवल के बीच में होना चाहिए, तो 0 और 2 पाई के बीच में। तो 0 और 2 पाई के बीच में कौन कौन आ सकता है, एक वो ये आ जाएगा 45 और इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 225, 2 पाई का मतलब हुआ 360, 2 पाई का मतलब 360, तो ये 45 हुआ और ये 225 हुआ, तो दोनों ही पॉइंट्स इसके बीच में आ गया। तो हम लोग यहां से देख पा रहे होंगे कि हियर x का वैल्यू एक वो आंसर हो जाएगा पाई बाई 4, यहां पे चेक नहीं करना है सिर्फ बताना, इतने सारे में चुन देना है कि ये दोनों के बीच में कौन होगा, एंड x का वैल्यू 5 पाई बाई 4, ये दोनों ही आंसर हो जाएगा, इतना ही पे आंसर कर देना है क्योंकि हमें पॉइंट बताना था इसके इसके बीच का, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे साइन टू एक्स मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, कि 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 क्वेश्चन है। चलिए 9 क्वेश्चन पे आते हैं, 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम व्हाट What is the maximum value of function sin x plus cos x? Sin x plus cos x का maximum value कितना है, यही ना। तो यहां पे लिख लीजिएगा let fx is equal to क्या sin x plus cos x, ठीक है। अब यहां पे हम क्या कर लेंगे कि maximum value पूछ रहा था, तो आप using करेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0, इसका 0 के इक्वल कीजिएगा, तो 0 का इक्वल करते करते आपको x का वैल्यू बहुत सारा आ जाएगा, कितना कितना पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4 ऐसे आएगा। तो आप कोई भी एट x बराबर पे चेक कर लेंगे, अब लिखिएगा एट x बराबर पाई बाई 4, तो एट पाई बाई 4 निकाल दीजिएगा यहां पे, यानी कि इसको जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और जब माइनस उधर जाता है तो प्लस साइन एक्स, तो जब ये दोनों बराबर होता है तो हम लोग एक्स का वैल्यू इतना सारा हो सकता है। तो यहां पे आप एक्स बराबर पाई बाई 4 पे क्या कीजिएगा, यहां पे चेक कर दीजिएगा, तो साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4,
निकालिएगा तो रूट टू, तो इसलिए लिख दीजिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितना, मैक्सिमम वैल्यू आएगा इसका रूट टू, कितना पे, तो एट एक्स बराबर पाई बाई फोर। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था बस, इसमें और हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू बता देना है। तो इस तरीके से, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग कई बार पहले कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल, इतना इतना फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेम फंक्शन माइनस। हम आपको चीजों को समझा दे रहे हैं। 10 नंबर में आप लिखिएगा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है 2x³ - 24x + 107। ठीक है, अब ये सवाल दिया है और इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ये निकालना है, और दो को इंटरवल दिया है, यानी कि दो को सवाल है। पहला सवाल इसमें बोल रहा है और दूसरा सवाल बोल रहा है, ऐसे लिखा नहीं है पहला दूसरा, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन बोल रहा है। एक बोल रहा है आप निकालो 1 और 3 को लेकर इंटरवल, और एक बोल रहा है -3 और -1 को लेकर निकालो। आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यूजिंग करना है f(x) = 0। इसका इस्तेमाल करके आप x का मान निकाल लीजिएगा। जब x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है, x का वैल्यू जब आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद पहले सवाल के लिए जितना x का वैल्यू आएगा उस पर भी चेक करना है f उतना, और f1 और f3 तीनों पे चेक करना है, तीनों में जो मैक्सिमम आएगा वो हो जाएगा हम लोगों का आंसर। लेकिन दूसरे सवाल में भी जो x का वैल्यू आया रहेगा इसका यूज करके, उतना पे हम लोग चेक करेंगे, मतलब x का वैल्यू 2 आया तो f2 पर भी चेक करेंगे, और इसके लिए f-3 पे भी चेक करेंगे और -1 पे भी चेक करेंगे। इसके लिए भी सवाल यही है, दोनों के लिए फंक्शन वही है, ठीक है, यानी कि x का वैल्यू जो निकालेंगे वो दोनों ही के लिए होगा, लेकिन इंटरवल अलग अलग है। यहां पे 1-3 पे चेक कीजिएगा इसके साथ साथ, और इसके साथ साथ दूसरे सवाल में -3 और -1 पे चेक करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां पे आप पाएंगे कि पहला के लिए मैक्सिमम कुछ और होगा, यानी कि इसमें दो आंसर दिया रहेगा, एक इसमें का मैक्सिमम और एक इसमें का मैक्सिमम, दोनों के लिए मैक्सिमम हम लोग का आंसर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को सवाल दिया हुआ है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, 11 नंबर, तो उसमें बोल रहा है इट इज गिवन दैट x = 1 और हमें a का वैल्यू निकालना है, और 1 पे बोल रहा है कि हम लोगों को वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 11 नंबर के बाद जो क्वेश्चन बच रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि ना मात्र वहां पे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि सवाल बोल रहा है एक्चुअली मैक्सिमम। तो आपके लिए बहुत सारा वर्क हो गया है, तो आज के क्लास को यहीं तक एंड करने का है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस जो आपके लिए छोड़े हैं कंप्लीट भी होना चाहिए, है ना। अब एक ही दिन में बहुत सारे क्वेश्चन अगर हम आपके लिए छोड़े तो अच्छा नहीं है, तो जितने क्वेश्चंस छोड़े हुए आप जरूर उसको ट्राई कीजिए, जरूर बनाइए। तो आज के क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।